ये आप देख सकते हैं कि अब्दुल्ला वाटरफॉल की तरफ जो रास्ता आ रहा है कि कितना खतरनाक रास्ता है। कोई ग्रिलिंग यहाँ नहीं की हुई है बचाव के लिए, छोटे बच्चे ख्वातीन भी यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन देखिए किस कदर खतरनाक रास्ता है ये। ये देख सकते हैं आप, यही रास्ता जो है अब्दुल्ला वाटरफॉल की तरफ आता है नीचे। तकरीबन 250 फीट नीचे उतर कर ये रास्ता आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक रास्ता है ये। कंक्रीट तो किया हुआ है, लेकिन जो साइड पे ग्रिलिंग होती है वो नहीं है। कोई गिर सकता है, कोई हादसा पेश आ सकता है, लेकिन महकमा टूरिज़्म जो है वो गहरी नींद में है। ये देखिए, हम आपको अब पूरा पोर्शन बता रहे हैं, जो ट्रैक जो चलने का ट्रैक है इसका पूरा पोर्शन बता रहे हैं कि कहीं भी ग्रिलिंग नहीं है। शहराज जी, आज आप भी अब्दुल्ला वाटरफॉल का जो है वो लुत्फ लेने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस मौका पर? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पहुँचे हो और यहाँ का जो मनाजर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हम आपको ग्राउंड जीरो का आपने आज रिपोर्टिंग की है और आपने देखा है यहाँ की जो सूरत हाल है वो भी देखी है खुद आपने। मैं कहता हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट रजौरी के अंदर गफलत की भी जरूरत होया हुआ है। रजौरी के अंदर इतना कोई बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लेकिन अगर ये झरना यहाँ निकला है तो महकमा सेहत की भी यह जिम्मेवारी बनती है कि इसको प्रमोट करें। आपने भी देखा है जम्मू के लोग यहाँ पहुँचे हैं, रियासी के लोग यहाँ पहुँचे हैं, आज भी लगभग 200-300 स्कूल के बच्चे यहाँ अलग अलग इलाका जात से जो लोग हैं। गर्मी का महीना है, स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन घर से बच्चे अपना ग्रुप बनाकर यहाँ आते हैं, लेकिन महकमा सेहत की जो कारकर्दगी है उसको देख कर यहाँ रोना आता है। पगडंडी को बना दी आपने जनाब, यहाँ 250 फुट का रास्ता है और खड़ी चढ़ाई है और उसमें आपने रेलिंग नहीं लगाई है कि खुदा ना खास्ता किसी का पाँव स्लिप हो जाए तो वो आदमी तो सीधा नाले में आके गिरेगा। एक रास्ता तो आपने कभी करवा दिया लेकिन रेलिंग नहीं लगाई आपने। यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाथरूम की अगर बात करें टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम समझते हैं कि महकमा सेहत को इसके बारे में देखना चाहिए। ये देखिए, कहीं भी कोई ग्रिलिंग नहीं है, रास्ता बना है, लेकिन कोई गिर सकता है, कोई हादसा पेश आ सकता है। देखिए आप, ये हालत है हमारे महकमा टूरिज़्म की। इस वक्त हम हैं दरहाल के बुद्ध किनारी, जहाँ पर अब्दुल्ला वाटरफॉल है। अब्दुल्ला वाटरफॉल यानी जो पहाड़ी जबान में कहा जाता है पानी का छम। ये आप देख सकते हैं जो ये नज़ारा मेरे पीछे, खूबसूरत कुदरत का नज़ारा है, अल्लाह का एक दिया हुआ तोहफा है दरहाल के लिए। ये तोहफा खुदा ने बख्शा है इंसानों के लिए, दरहाल के लिए और ओवरऑल जितने भी इंसान हैं उन सबों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पे कुछ खामियाँ हमने जो है पाई हैं। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जम्मू से, पुंछ से, रियासी से, राजौरी के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ का लुत्फ लेने के लिए, जगह का लुत्फ लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ये जगह इंसान को ठंडक देती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल फैसिलिटीज़ की, सहूलियात की, तो उसके हवाले से तो यहाँ पे हमें आज अभी तक यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। चलने के लिए एक रास्ता बनाया गया है महकमा टूरिज़्म की तरफ से, लेकिन इंसानों के बचाव के लिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। जो पौड़ियाँ बनी हैं वहाँ पे उसके साथ जो ग्रिल होनी चाहिए वो ग्रिल नहीं है। लोग यहाँ आते हैं टॉयलेट, हर शख्स की ज़रूरत है टॉयलेट, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट तक जो है वो तामीर नहीं किया गया है। इवन के यहाँ बैठने के लिए बेंचेस का भी कोई अरेंजमेंट या बंदोबस्त नहीं है महकमा की तरफ से।
तो बहुत सारे हमने यहाँ लोगों से बात भी की, हमने ओवरऑल पूरे जगह का हमने मायना भी किया पूरी तरह से कि क्या क्या खासियत है, ताकि वो हम प्रोजेक्ट कर सकें, आप लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमारा एक इखलाकी फर्ज बनता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ खुदा का ऐसा कोई तोहफा अगर बरामद होता है तो उसे हम हर इंसान तक पहुँचाएँ। ये मैं आपको बता दूँ, जो हमें देखने वाले हैं सबको ये बता दूँ, ज़िला राजौरी के तहसील दरहाल में भूत खिनारी नाम की एक जगह है, उसके बीच बीचों बीच जो है पहाड़ों के बीचों बीच से जो है ये निकला है अब्दुल्ला वाटरफॉल। अब्दुल्ला वाटरफॉल एक बड़ी खूबसूरत जगह है, मेरी लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि वो इस जगह का लुत्फ लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, और ज़िला इंतजामिया, महकमा टूरिज़म और एलजी इंतजामिया से मेरी खास तौर पर ये अपील रहेगी कि वो थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दें, ताकि यहाँ पर जो लोग आते हैं यहाँ पर लुत्फ लेने के लिए, लुत्फ अंदाज होने के लिए, उन लोगों को यहाँ पर सहूलियात दस्तियाब हो। मज़ीद हम आपको बेहतर से बेहतर न्यूज़ें दिखाने के लिए और भी मज़ीद जगहों पर लेकर जाएंगे। फिलहाल मैं इजाज़त, शुक्रिया बहुत।